लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज जहां बीजेपी ने अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया, वहीं यूथ कांग्रेस ने नई मुंबई के वासी में विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएम के खिलाफ हल्ला बोल किया। युवा कांग्रेस के नई मुंबई जिलाध्यक्ष सुबिन थॉमस के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में युवा कांग्रेसियों ने मोदी को देश के पतन का कारण बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही देश में बेकारी बढ़ रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, इसलिए ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। युवाओं का रोजगार छीन रही भाजपा सरकार, युवाओं का रोजगार छीन रही भाजपा सरकार। नई मुंबई में यूथ कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बेरोजगार मोर्चा निकाला और मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुबिन थॉमस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वाशी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष मृणाल मानधने, महासचिव सुदर्शन सावंत, सचिव सुधाकर भगत, मुन्ना खान और स्वप्निल मात्रे समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही आज देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान बेकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों का झूठा सपना दिखाने वाली ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस हा आज मोदीजींचा वाढदिवस आणि आम्ही राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस असा एक प्रोग्राम साजरा करतो। साजरा करणं हे म्हणणं खूप दुःखदायक आहे, पण तरीही जन्मदिवस लोक आज कशाबद्दल मोदीजींचा साजरा करावा, जेव्हा देशामध्ये इतकी बेरोजगारी आहे, इतकी समस्या आहे, ते सगळं सोडून आज वाढदिवस साजरा करणं हे कुठून मान्य आहे? म्हणून आम्ही बेरोजगार दिवस हा साजरा करत आहोत। खासगीकरण करून रोजगार उपलब्ध होणार नाही आहे, कारण जे ऑलरेडी रोजगार आहेत उलट ते कमी होणार। आज जर प्रायव्हेट कंपनीमध्ये रोजगार कुठून इतकं उपलब्ध होणार? तुम्हालाही माहिती आहे कॉर्पोरेट कसं काम करून घेतात आणि काय करून घेतात, किती करून घेतात। एका चार माणसांचं काम आहे, एकावर ते लोटतात, तर ते खाजगीकरण करून काय रोजगार उपलब्ध होणार नाही आहे। पहिले जे आहे त्याला सांभाळून घ्या, त्याला वाचून घ्या। तुम्ही त्यांच्यामधून 2-2 करोड रोजगार देणार होते असे म्हटले होते, पण आता ते तुम्ही संपून ते खाजगीकरण त्यांच्यावरती ठोकतायत रोजगारची समस्या, हे कुठून मान्य आहे? ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।